हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया पर। दोस्तों, आज हम लोग मेक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मेक सेंटेंसेस एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट मेक सेंटेंसेस मैंने बताए हैं और इसे मैंने प्रोनंसिएशन के साथ बताया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बोल बोल के रीड कीजिएगा। नंबर वन, सिंस। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, कभी भी एग्जाम्स में आपसे कोई वर्ड लिखते समय गलती हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ सिंस लिख रही थी तो यहाँ पर गलती हो जाए, तो जैसे मैंने इसे काटा है, आप भी बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरी तरह से इसको काटिएगा। उसे पूरा कट के पूरा मतलब ढक मत दीजिएगा, उससे एग्जामिनर को पता नहीं चलता है कि आपने वहाँ पे क्या लिखा था। ऐसे उनको ये पता चल जाता है कि आपने ये वर्ड जो है वो लिखते समय गलती हो गई थी आपसे, और आपको सही वर्ड आता है तो फिर आपने काट के उसके बगल में फिर से उसकी सही स्पेलिंग जो है वो लिखी है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। नंबर टू, जस्ट। इट इज जस्ट योर इल्यूजन। और इसी तरह से जोर जोर से बोल बोल करके आप रीड कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी ये मेक सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और अपने एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स इन्हें लिखकर ला पाएंगे। नंबर थ्री, विदाउट। I am asking this without any reason. Number four, matter. The matter has become serious. दोस्तों, मैं प्रोनंसिएशन के साथ बताती हूँ मेक सेंटेंसेस, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो और आप जल्दी से सभी मेक सेंटेंसेस को याद कर पाएँ, रीड कर पाएँ बहुत अच्छी तरह से, और इस तरह से आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाए। नंबर फाइव, देयर। इट इज देयर म्यूचुअल मैटर। नंबर सिक्स, रेन। इट मे रेन टुडे। अब देखिए, यहाँ भी ये रॉन्ग हो गया, तो मैंने सिर्फ एक लाइन कट लगा करके फिर राइट वर्ड बगल में यहाँ पे लिख दिया है। तो इसी तरह आपको भी एग्जाम्स में इसी तरह से लिखना है, ना कि उसे तीन चार बार ऐसे काट देना है गंदी तरह से, वैसे नहीं करना है। साफ़ सुथरी तरह से एक बार आप उसे काट दीजिए और फिर
जो राइट वर्ड है उसे आप लिख दीजिए. नंबर 7, मीट. समवन वांट्स टू मीट यू. नंबर 8, पर्सन. I am a person of words. Number 9, reason. May I know the reason? Number 10, cash. I do not have any cash. Number 11, give. Give her a chair to sit on. उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप ये सब मेक सेंटेंसेस अपने एग्जाम्स में लिखकर बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. और दोस्तों, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी. और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगी. और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सामानों के लिंक दिए हैं जो मुझे यूज़फुल लगते हैं, कुछ मैं अपने घर पे भी यूज़ करती हूँ, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय.